हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के आलोक गणित के क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्या देख रखा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक सारणी दिया हुआ है और यहाँ पर लिख दिया प्राप्तांक और यहाँ पर बारंबारता, यानी 20 से 30। ये देखिए प्राप्तांक मतलब जो एग्जाम में नंबर आता है। ठीक है, तो 20 से 30 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 30 से 40 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? तो 8 बच्चे हैं। 40 से 50 वाले 7 बच्चे, 50 से 60 वाले 15 बच्चे और 60 से 70 वाले 5 बच्चे आपको दिया हुआ है। अब नीचे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, इसके बेसिस पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रखा है कि कितने छात्रों ने 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त किए। तो देखो 50 से 60 वाला ये वाला कॉलम है, इसमें कितना बच्चा है? 15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15 बच्चे। ठीक है, आप लिख लीजिएगा 15 बच्चे 50 से 60 उत्तर दिए, प्राप्त अंक किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देख रखा है कि 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए 50 से कम, यहां देखिए यहां से 50 से ज्यादा है, 50 से कम ये सारे नंबर है। ठीक है, तो 20 वाला भी आ जाएगा, 30 वाला, 35 वाला, जितना भी जो 50 से कम है। तो कितने बच्चे हैं? तो 8, 7, 15, 15 और 5, 20। तो क्या हो जाएगा? 20 बच्चे हैं ऐसे जो कितने 50 से कम मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या देख रखा आपको कि कितने छात्र 40 या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। 40 या उससे अधिक, तो 40 ये वाला है, उससे ज्यादा वाला भी इसमें काउंट होगा। तो 40 वाले 7 हैं, 40 से 50 वाले, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो कितना हो जाएगा? 15, 5, 20 और 7, 27। यानी 40 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? 27 बच्चे हैं जो 40 या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 40 हो तो कितने छात्र सफल रहे। अगर 40 नंबर में क्या होता, बच्चे पास करते कि 40 नंबर आया तो तुम पास हो भाई, तो कितने बच्चे होंगे जो पास होंगे? तो 40 नंबर लाने वाले पास हैं, इसका मतलब जिसका 40 से ज्यादा वो सभी पास होंगे। एक 40 वाले भी पास होंगे, 45 वाले भी, 50 वाले भी। तो 40 से ज्यादा जो भी मार्क्स है, तो 7, 15 और 7, 22 और 5, 27, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 27। यानी 27 बच्चे ऐसे जो सफल रहे। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, बस सिंपली यही करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या देखे रखा है कि सिद्ध करें कि वर्ग अंतराल एक्स वाई, देखिए जैसे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ ना ये क्वेश्चन में, ये वर्ग अंतराल क्या दिख रहा है? 20, 30, 30, 40, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, 40, 50। ठीक है, तो उसी तरह इसमें वर्ग अंतराल एक्स वाई का वर्ग चिन्ह वही है जो वर्ग अंतराल 2x - y, 2y - x का है। मैं आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता आपको पता होनी चाहिए। वर्ग अंतराल तो आपको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस देके रखा 60-70 या गैप जो देके रखा ये आपका वर्ग अंतराल हुआ। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह होगा उसके जोर का आधा। मतलब ये जैसे यहां पर देखो 60 और 70, इन दोनों का जोर कितना होगा? तो हो जाएगा 7 * 130 और 130 का आधा कितना हो गया? 65। यानी 60 + 70 / 2 यानी 130 / 2 कितना हो गया? 65। यानी 65 इसका क्या हो गया? वर्ग चिन्ह हो गया। समझ में आया। उसी तरह इसे इसका अगर वर्ग चिन्ह निकाला जाए तो क्या होगा? तो 50 और 60 110, 110 का आधा 55, इसका वर्ग चिन्ह हो गया 55, इसका हो जाएगा 45। समझ में आया, तो वर्ग चिन्ह समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि x - 1y का जो होगा वर्ग चिन्ह, xy का वही वर्ग चिन्ह इसका होगा। तो हम लोग कोई सा भी एक नंबर चुन लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बनाने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि x का मान क्या है? 20 है या 30 है, जो आपको मानना है। x का मान अगर 20 है तो y का मान 30 ले लीजिएगा, x का मान अगर 30 है तो y का मान 40 ले लीजिएगा, जो आपको लेना हो। हम लोग क्या कर लेते हैं हल करने के लिए, माना x इक्वल टू 30 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, और y इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 40। तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया आपका, वर्ग अंतराल ऐसे होगा, वर्ग अंतराल क्या हो गया? एक्स वाई है, एक्स वाई यानी 30-40 हो गया इसका वर्ग अंतराल। समझ में आया। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 30 + 40 और बटे में 2, तो 40 + 70, 70 / 2 कितना हो गया? 35 हो गया। अब बोलता जो इसका आया वही ये वाला इसका आना चाहिए। समझ में आया, तो अब फिर दूसरा वाला जो वर्ग अंतराल है उसको कैसे लिखेंगे? अगेन, तो ये वाला पहले लीजिए 2x - y, तो 2 *
यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई कितना आ जाएगा बबुआ, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग 30 माने हैं 30, और माइनस में y का वैल्यू 40, तो कितना हो गया 30 दुना 60, 60 में 40 गया 20, ठीक है। फिर ये वाला मान निकाल लीजिए 2y माइनस एक्स, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग कितना माने बबुआ 40, और x का वैल्यू कितना माने 30, तो माइनस 30, यानी 40 दुनी 80 माइनस 30 कितना हो गया रे, तो 80 में से 30 गया सर 50 हो गया, ये ना होगा, ठीक है। 2y माइनस एक्स, इसका मतलब इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया, तो वर्ग अंतराल हो गया सर 20 50, ठीक है। इसीलिए वर्ग अंतराल क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया आपका 20 50, समझ में आया। अब यहां से अगर वर्ग चिन्ह निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसीलिए वर्ग चिन्ह बराबर, तो वर्ग चिन्ह अभी बताए कि दोनों को जोड़ करो 20 प्लस 50 और उसका आधा करो, यानी 70/2 बराबर कितना हो गया 35। देखो यहां पर भी 35 आया था, यहां पर भी 35 आया, इसका मतलब वर्ग चिन्ह क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर लिख दो अतः, या हेंस प्रूव लिखो, इंग्लिश में लिखो उतना तो इंग्लिश चलेगा बउआ, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो भी लिख सको प्रूव्ड, समझ में आया। बस इतना सा करना है आपको।